ये जो नंबर है पहले तो ये ध्यान देना है कि ये रूट के अंदर जो भी नंबर होंगे वो सेम होंगे, एक ही होंगे। जैसे देखो यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, इन्फिनिटी तक सब क्या है, 12 ही है। ये तो हमको पता पड़ गया कि हाँ नंबर सेम है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इस 12 का दो ऐसा फैक्टर करना है, इस 12 को दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है, दो ऐसे नंबर्स में इसका फैक्टर करना है कि जिसका डिफरेंस क्या हो फ्रेंड्स, 1 हो। ठीक, यानी आप इस 12 का जो फैक्टर करोगे, आप फैक्टर में यहाँ पे उन्हीं दो नंबर्स को रखोगे जिनका अंतर कितना होगा, 1 होगा। जैसा अगर इस 12 का फैक्टर हम करें 4 तिया 12 होता है ना, तो ये फैक्टर तो हो गया और हमने ये देखा कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। बस आपका काम हो गया। तो हमने क्या किया कि यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, भाई 4 तिया 12 हो गया। और हमने देखा कि इनका अंतर भी क्या है, 1 है, कि यहाँ पे सबके बीच में किस चीज का साइन है, प्लस। ठीक, यानी प्लस माने ज्यादा, माइनस मीन्स कम। तो जो प्लस का साइन है इसका मतलब कि दोनों में से जो बड़ी नंबर्स होगी, जो ज्यादा नंबर्स होगी वो आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 तो होगा नहीं, प्लस है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, यानी इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना हो गया, 4, है ना शानदार त्रिश। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई हो, ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए।